नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए देखियो, सुनना पहले हिंदी में कारक सुनो ने, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वैसे इंग्लिश में भी होता है, उसको केस बोलते हैं। ठीक है, केस, कांड वाला केस नहीं, कारक वाला केस। तो नाउन में भी कुछ केस होते हैं, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो चार्ट याद रखना, पहले इधर देखना। जैसे मैं बोलूँ राम ने मुझसे कहा, है ना, राम सेड टू मी। ठीक है, अगर इसको मैं हिंदी रूपांतरण करूँ इसका, राम ने मुझे कहा या मुझसे कहा, तो यहाँ पे राम ने कर्ता, कर्ता ने कर्म को, किसको, मुझको, तो मी क्या हो गया, क्या हो गया, कर्म, है ना, कर्ता ने कर्म को। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, या इधर ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो जैसे हिंदी है वैसे ही है, है ना, हिंदी समझ आता है ना, तो बस इंग्लिश के भी ऐसे कुछ रूल्स हैं, वो जानना जरूरी है, उसके बेसिस पे कुछ नियम बनेंगे, उसको पढ़ लेंगे, ये समझ आए। तो वैसे इसमें भी कारक चिन्ह होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आई का मी होता है, मतलब अगर मैं अपने आप में देखूँ, मैं का मुझे बन गया, तो मी लिखोगे, अस नहीं लिखोगे। ठीक है, लेकिन वी का अस लिखना पड़ेगा। ठीक, तो वो कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। तो एक चार्ट बनाना, बस हेडिंग डालना केस, उसी नाउन में ही पढ़ना है, केस, नाउन केस। कैमरा बंद हो गया। चलिए, ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, एक ही नाम लिखना, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देख रहे हैं, ये सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, जैसे पहला पर्सन में क्या क्या आते हैं, ठीक है, मैं आएगा आई में, ठीक, तो सिंगुलर अगर देखा जाए तो आई, वही कर्ता ने कर्म को, कर्म में तब्दील हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब जैसे मेरा, राम का, उसमें कोई संबंध बताते हैं, ये किसका है। ठीक है, पोजेसिवनेस बताते हैं। ठीक है, तो आई मी का क्या बन जाएगा, माई, यहाँ लिखना पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन माइन, और एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ।
कौन सा वाला बोल रहे हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे मैं खुद, तुम खुद, हम खुद, ऐसे। चार्ट बस बनाना हेल्प करता है समझने के लिए, क्या लिखा हुआ है घबराने की जरूरत नहीं है, इजी है, हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसको बोल रहे हो दे देम देयर देयर्स और देम सेल्स। जल्दी बनाइए चार्ट, अभी बना रहे हो। ओके लिख लिया ना इसको, लिख लिया ना इसको, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। चलो इधर ध्यान दो, वो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, फोटो खींच के डाल देंगी, आप देख लेना क्या होता है। समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग कारक देखते हैं, कारक चिन्ह, वैसे ये भी है, हिंदी में कारक देखते हैं वैसे ये अंग्रेजी में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या चीज़ हो गया, तो हम लोग हिंदी में भी देखते हैं ना प्रथम, हाँ प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बस वैसे ये भी प्रथम, द्वितीय और ये अन्य, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ठीक है। उसमें भी सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। कैसे सिंगुलर प्लुरल होगा, जैसे प्रथम पर्सन में मैं या हम होते हैं, तो मैं तो एक सिंगुलर हो गया, और हम बोले मतलब बहुत लोग हो गए, तो बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ, प्लुरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पर्सन में तुम या तुम लोग दोनों के लिए यू यूज़ होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन में किसी और के अन्य की बात की जाए, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, या दोनों नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है। या फिर उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, बहुवचन, वे लोग या वे,
ठीक, तो ही शी इट दे वे मतलब बहुत लोग, ठीक है, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है। तो ये नॉमिनेटिव केस में ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे राम ने मुझे कहा, राम सेड टू मी, ऐसा एक लिखे थे, ठीक है, बस वैसे ही नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे राम सेड टू मी, लास्ट में ऑब्जेक्ट में आएगा, तो किसने किसको बोला, मुझे बोला, तो अगर मी के जगह हम होता तो हम का क्या हमें हो जाता, अस, हम का हमें होता है, ठीक है, तुम का तुम्हें, ठीक है, वह का उसे, लड़की के लिए हर, और वैसे ही इन नपुंसक के लिए क्या, इट, और ये दे का देम, आई सेड टू देम, आई सेड टू दे नहीं, आई सेड टू देम। तो जब वो ऑब्जेक्ट केस में होता है ना, मतलब पीछे साइड लिखा होता है, तो दे नहीं देम होता है, ठीक, ये बेसिक इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस में देखे होंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या, मतलब जैसे ये पेन मेरा है, मैं बोलूँगा ना मेरा है, तो माई पेन, ठीक है, आई पेन नहीं, मी पेन नहीं, माई पेन। तो ये सब मालूम है, बट फिर भी एक बार बताना जा रहा है, वैसे माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो जैसे मैं बोलूं दिस स्कूल इज आर्स, दिस पेन इज माइन, ठीक है, इसमें अंतर क्या हुआ, इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, दिस इज आवर स्कूल और दिस स्कूल इज आर्स। ये जो लास्ट लास्ट में लिख रहे ना, ये जो वर्ड आ रहा है दिस स्कूल इज आवर्स, कहने का अर्थ यही है कि भैया ये हमारा स्कूल है, हमारा, मेरा पेन है, ठीक है, बट ये जो शब्द आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, जिसमें खुद की भावना आती है। अच्छा, प्रोनाउन यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो प्रोनाउन का मतलब बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या, जो नाउन के बदले यूज किया जाए, जो भी नाउन के बदले यूज किया जा सकता है वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो भैया यहाँ पे माई, आवर, यूअर, ये सब कैसे प्रोनाउन हो गया, अगर ऐसा देखा जाए तो माइन, आवर्स, यूअर्स, जैसे मैं बोलूँ तुम्हारा, ये तुम्हारा पेन है, अब मैं यहाँ पे अपूर्वा बोल सकता था, और अपूर्वा क्या है, एक नाउन है, लेकिन अपूर्वा अब ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, अपूर्वा का या तुम्हारा, ठीक है, तो नाउन के बदले आया कि नहीं, तुम, तुम्हारा, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मैं खुद ये काम करूँगा, तो योगेंद्र ये काम करेगा ना बोल के मैं खुद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं खुद वाला भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, रिफ्लेक्सिव, इसमें उसके खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट हो, यू, यूअर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस चार्ट को बस एक बार ध्यान में रखना है, ठीक, सेंटेंस फ्रेम करने में हेल्प होता है, समय आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, वाक्य में, वाक्य में मतलब सेंटेंस में, वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध या रिलेशन कॉमा डाल के लिखना, वाक्य के दूसरे शब्द, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने वाले को केस कहते हैं, ठीक है, बताने वाले को केस कहते हैं। हिंदी में जो कारक बता दिया वही अर्थ है, ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन लिखा दिया, वो केस कहते हैं। अब देखो केस के बेसिकली चार प्रकार होते हैं, कोई चार लिखे रहेगा, कभी पांच लिखे रहेगा, छह लिखे रहेगा, अलग अलग प्रकार इन लोगों की याद कर देते हैं, ये चार है कि पांच, उस पर ध्यान नहीं देना, बट ओवरऑल एक जनरल आइडिया अगर ले हम, तो चार प्रकार के केस में कैटेगराइज किया जाता है इसको, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये डबल एस आता है, ये जहां पे भी सिंगल एस, डबल एस, सिंगल सी, डबल सी आता है ना, उस लेटर को ध्यान दिया करो, स्पेलिंग सही करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो पोजेसिव, डबल एस उसमें पोजेसिव, और एक होता है वोकेटिव केस, वोकेटिव, ठीक, सेंटेंस एक एक लिख लेना समझ जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। राम सेड टू
नहीं, यहाँ पे राम क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। यही सेम सेंटेंस अगर लिखता राम सेड टू मी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, दिस इज माई पेन, अगर ये बोलना चाह रहा हूं तो ये माइन क्या हो गया? माई क्या हो गया? पोजेसिव बता रहा है, ठीक है। उसके साथ संबंध बता रहा है, पेन का संबंध मेरे से है, मतलब मेरा पेन है ये बोलना चाह रहा। ये वोकेटिव क्या होता है? देखो ये संबंध हो गया, ये वोकेटिव क्या चीज, जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं, राम इधर आओ, ठीक है, बे एतिया ऐसा वाला, तो वैसे ही जैसे राम कम हियर, इसको क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं। यहां पे फिर राम क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस हो जाता है, या केस ऑफ एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो राम कम हियर, ठीक। तो ये चार प्रकार के भेद को लिख लेना किताबों के हिसाब से, ये चार किताब में ये चार लिखा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ इसके कैटेगरी होते हैं, जैसे लिखना नाउन इन अपोजिशन, ये हो गया चार, जस्ट उसके नीचे लिखना नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन मतलब बता रहा हूँ, अपोजिशन मतलब क्या है, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिट्टू भैया भूपेश बघेल का बेटा, तो बिट्टू भैया के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसमें क्या जोड़ दिया उसको डिफाइन करने के लिए, बिट्टू भैया क्या, भूपेश बघेल का बेटा, ठीक है। जैसे बोलूँ कोई राम के बारे में बता रहा है ना, राम मेरे पिताजी का भाई, तो राम बोल रहे हैं उसके बाद पिताजी का भाई भी बोल रहे हैं, दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन। जैसे राम इधर आ, तो वहां पे राम क्या हो गया? वोकेटिव केस पे हो गया, या केस ऑफ एड्रेस, ठीक है। नाउन इन अपोजिशन मतलब मैं जैसे बोलूं राम माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पिताजी का फ्रेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट नीचे एक टर्म लिखना, इसको क्या प्रोनाउंस करते हो? हाँ जेरेंड, मैं अभी तक गेरेंड बोलते आता था, आपको क्या बोलना है? जेरेंड, जेरेंड, ठीक है। जेरेंड बोलो या गेरेंड बोलो या अपने इच्छा अनुसार, ठीक। ये क्या होता है इस चीज को समझा देता हूँ। अब अगर सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से कोई डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ समझने के लिए। अगर नाउन पढ़ रहे हो तो ये सब थोड़ा बहुत जान लो ग्रामर, और यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाला है, बट समझने के लिए जरूरी है। सुनना पहले, आमतौर पे बचपन में अगर इंग्लिश ग्रामर में देखे होगे, इंग्लिश ग्रामर तो जिसके पीछे ING लिख दिया होता है वही गेरेंड होता है, जेरेंड होता है, ये पढ़ते आते थे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं किसी में भी ING लगा दिए तो वो जेरंड हो गया। जैसे कोई भी वर्ब हो, है ना, क्रिया हो, वर्ब मतलब क्या, क्रिया, उसमें ING जोड़ के हम उसको नाउन बना दें। जैसे उदाहरण मैं दूं आपको, मैं बोला तैरना, स्विम, तो तैरना स्विम हुआ, ठीक है। तो वहां पे तैरना या स्विम आपका वर्ब हो गया, ठीक है, वो तैर रहा है, वो स्विम कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही स्विमिंग बोलूं, ही स्विमिंग, समझने का कोशिश करना, ही स्विमिंग, और डू यू नो स्विमिंग,
जो ये आता है ना, अंग्रेजी आता है, ठीक है, तैरने आता है, दौड़ने आता है, तो वो आता है के लिए नो यूज़ करते हैं, ठीक है। डू यू नो स्विमिंग, ही स्विमिंग, डू यू नो स्विमिंग, दोनों में स्विमिंग वर्ड दिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों अंतर है, ठीक है। ये यहाँ पे तैर रहा है, ये एक वर्ब है, और यहाँ पे इसको हम लोग नाउन में कन्वर्ट कर दिए, तैराकी आता है ऐसा, या तैरना आता है, तो ये स्विमिंग हो गया। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम लोग, एक्चुअल में वर्ब तो स्विम है, ठीक है, उसमें आईएनजी जोड़ के हम लोग क्या बना दिए, उसको नाउन बना दिए, ठीक है। तो स्विम का स्विमिंग, ठीक है। और कोई सा वर्ड लूं मैं, अगर ठीक, तैरना आता है, स्विम, स्विंग, रन ही ले लो, एक प्रकार का रन कर रहा है वर्ब, लेकिन रन से रनिंग, ठीक। तो यहां पे ये रन वर्ब हो गया, और इसी वर्ब में आईएनजी जोड़ के क्या लगा बना दिया इसको मैं, नाउन। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, जी रन, ठीक है, नाउन का वो फॉर्म जो वर्ब से आईएनजी जुड़ के बनता है, ठीक। तो लिखना जेरन, जैसे ईट का ईटिंग, टॉक का टॉकिंग, ठीक है। इसको अपने समझने के लिए ऐसे लिख लेना, वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन, इस नाउन मतलब ये वर्ब में आईएनजी जोड़ के नाउन बना दिए, इसी नाउन को क्या बोल दिए, जरन बोल दिए, ठीक है। ठीक, क्लियर। चार प्रकार के केस देख लिए, तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और वोकेटिव। तो सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब जो बता रहा हूँ उससे नियम कानून आपको ध्यान रखना है। जो पोजेसिव केस होते हैं, ठीक है, पोजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग पोजेसिवनेस दर्शाते हैं, वहाँ से बहुत सारे नियम बनते हैं आपके, ठीक है। तो अब नियम एक्चुअल में लिखना है, पढ़ना है, और यही इसी को याद करना है आपको, ठीक। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं, मैं बोलूँ बाहर खड़ी है बाइक, राहुल की बाइक खड़ी है, ठीक है, तो राहुल्स बाइक की बाइक ऑफ राहुल, दोनों में क्या सही है बताओ, कि दोनों सही है, दोनों ग सही है, बताओ तनुवना, मलाइका जी बताओ, पहला वाला सही है और दूसरा गलत है, पहला सही है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, सर ठीक है, ये सही है, ये गलत है, की ऑफ बाइक और बाइक्स की, पहले लिख दिया तो पहले वाला सही होगा, इसमें कौन सा सही है, बाइक्स की होगा ना, कैसे ये गलत बोलती है ना, गलत क्या, इंग्लिश में पढ़े दोनों हैं, की ऑफ बाइक ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे नियम क्या बोलते हैं, जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है ना, वो लिविंग बिंग जो रहते हैं, लिविंग थिंग रहते हैं उसके, तो ये बाइक और की दोनों जिंदा तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ये जिंदा आदमी है, ठीक है, लिविंग थिंग है, लिविंग बिंग है, तो राहुल्स बाइक ये लिखेंगे सही होगा, लेकिन की ऑफ बाई बाइक्स की ये गलत, ठीक है। तो ऐसा एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना, वो लिविंग बिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए नहीं लगाते। तो ऐसे कुछ नियम है, एक उदाहरण दिया, ऐसे कुछ नियम है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और उदाहरण सुनना, यहां से नियम बनता है, इसलिए बता रहा हूं। जैसे लिखूं, सॉरी, मैं बोलना चाह रहा हूँ राम और श्याम के पिता, तीनों में कौन सा सही है,
पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत हो गया, दोनों सही है काहे? पहला वाला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा वाला, तीसरा गलत है। चलो है ना, इसके पिता, दोनों के पिता के बारे में बात कर रहा है, पहला और दूसरा दोनों सही है लेकिन अपने अपने जगह पे, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर राम और श्याम्स फादर लिख रहा हूँ मतलब राम और श्याम दोनों के पिता एक ही है, ठीक है, और राम्स फादर और श्याम्स फादर लिख रहा हूँ ना, राम्स एंड श्याम्स फादर मतलब दोनों अपने अपने पिता के साथ है, ठीक है। सपोज पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, ठीक है, तो अपने बाबू को नहीं बुला पाते डर के मारे, तो यही मेरा आज से वहाँ ऐसा रहता है, ठीक है। राम्स एंड श्याम्स फादर, अगर दोनों के पिता अलग अलग है ना, ये सेंटेंस बोलने का मतलब है भैया कि राम के पिता अलग हैं और श्याम के पिता अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राम और श्याम दोनों के पिता, इसको जॉइंट पोजिशन बोलते हैं, जॉइंट पोजिशन मतलब इसी में दोनों का अधिकार हो, ठीक है, या एक से ज्यादा लोगों का अधिकार हो। तो जो एपोस्ट्रॉफी एस लगता है ना, वो सबसे लास्ट वाले के पास लगता है, राम एंड श्याम्स फादर, ठीक है। और अगर दोनों में लगा रहो, इसका मतलब कि राम के पिता अलग हैं, श्याम के पिता अलग हैं, ठीक, क्लियर। तो ऐसे कुछ नियम हमको देखने, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बहुत सारे नियम हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूल होते हैं लिखना। बाकी तीन का और कुछ रूल नहीं देख रहे, एक ही का रूल देखना। एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, ये आपका एपोस्ट्रॉफी हो गया, ये आपका एस हो गया, इससे रिलेटेड रूल्स हेडिंग डालना, एपोस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड रूल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड नियम। अब पहला देखो, एक चीज क्या बता दिया, देखना सिंगुलर है ना, सिंगुलर लिखा हूं और प्रॉपर नाउन लिखा हूं, इसको बहुत ज्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल लिखा के आपको बता दूंगा। जैसे अभी राम्स बाइक है, देखिए सिंगुलर प्रॉपर नाउन, जो कि क्या होना चाहिए, लिविंग बींग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। जैसे राम बाइक्स, राम्स बाइक की बाइक ऑफ राम, राम्स बाइक, दोनों में सुनने में सही लगता है, अर्थ लगभग समान लेकिन अलग हो जाता है। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन, राम एक नाउन है, सिंगुलर है ना, राम तो अपने आप में एक ही होगा, ठीक है। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम लोग पोजेसिव केस दर्शाते हैं। पोजेसिव केस क्या हो गया, ये सब वही पढ़ रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस पोजेसिव केस में तो होता है, पोजेसिव केस मतलब उसका संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसे राम्स बाइक, बाइक का संबंध किससे, राम से है, ठीक, उसका अधिकार किसके पास है, राम के पास है। तो पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं इसको सीख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ कहाँ पे लगाना है उसको देख रहे हैं। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन, तो ये राम एक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया और सिंगुलर भी हो गया, राम तो बहुत सारे रामे तो नहीं होगा, राम ही होगा, तो राम्स बाइक, ठीक, क्लियर। तो ये क्या था, सिंगुलर था है ना, राम्स बाइक, ये पहला नियम ये लिखना, बाइक ऑफ राम नहीं होगा, क्या होगा, इसको भी लिख के बाइक ऑफ राम, ये गलत कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आप और एक उदाहरण लिख लेना कि वो बाइक या बाइक्स की, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक, क्लियर। तो सर यहाँ पे नियम क्या बताना चाह रहे हो, नियम ये बताना चाह रहा हूँ, बाइक का अधिकार हमको राम के पास दिखाना है, तो कैसे दिखाए, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, ये एपोस्ट्रॉफी ऊपर जो कॉमा लगा है उसको एपोस्ट्रॉफी, और जो लगा है एस, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या था, राम था, लेकिन राम का बाइक बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए। लेकिन क्या हो, ये तो मैं सिंगुलर लिखा है ना, क्या हो अगर कोई प्लूरल नाउन आ जाए, सेकेंड रूल है ना, कोई प्लूरल नाउन रहे, कोई प्लूरल नाउन रहे,
ठीक है, जैसे बॉय का क्या होगा अगर प्लूरल हो जाए तो? बॉयज, बॉयज हॉस्टल सुने हो, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो वहां पे लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, लड़का हॉस्टल ऐसे नहीं, लड़की हॉस्टल ऐसे तो नहीं बोलते, लड़कों का हॉस्टल और लड़कियों का हॉस्टल ऐसा रहता है। ठीक, तो बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे पहले से एस लग गया है, तब इसको कैसे लिखोगे? बॉयज हॉस्टल ऐसे, बॉयज हॉस्टल ऐसे थोड़ी ना, गर्ल्स हॉस्टल ऐसे, तो कैसे होगा? बस ये रहेगा? नहीं, बस ऊपर ये लगा देना है कि बॉयज ऐसे तो नहीं होगा, बॉयज हॉस्टल, तो ये बस लगा के आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो लिखना नेक्स्ट सेकंड रूल, अगर कोई प्लूरल नाउन, अगर कोई प्लूरल नाउन के लास्ट में एस यूज किया हो गया हो, अगर किसी प्लूरल नाउन के लास्ट में एस यूज किया गया हो, एस यूज किया गया हो, एस यूज किया गया हो, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, है ना, ये पूरा एपोस्ट्रॉफी लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में इसको लिख देना, एपोस्ट्रॉफी लगा के उसका पोजेसिव केस बनाएंगे, एपोस्ट्रॉफी, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा के उसका पोजेसिव केस बनाएंगे। ठीक, तीसरा रूल लिखना, अब ये तो ऐसा प्लूरल नाउन था जिसके लास्ट में एस हो गया, अब मैं जैसे गर्ल्स हॉस्टल हो गया, वैसे मैं ये देखो लिख रहा हूँ क्या, वुमेन, अब वुमेन कॉलेज बोल रहा हूँ, लड़कियों का कॉलेज है अलग से, गर्ल्स कॉलेज वुमेन कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, वुमेन्स कॉलेज, ऐसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ई एन हो जाता है। ठीक है, ये ना आता, तो वुमेन्स ऐसे नहीं है ना, वुमेन्स कॉलेज, तो ये भी नाउन है, वुमेन नाउन है, नाउन का प्लूरल एस लगा के नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे ई में तब्दील हो गया, ऐसे प्लूरल किए, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है, लेकिन वुमेन का वुमेन्स नहीं होके, बस इसको ई में तब्दील कर दिए, वो प्लूरल हो गया, तो ऐसे केस में एस कहाँ पे लगाते हैं, लिखना बस लिखिए तीसरा, अगर किसी प्लूरल नाउन के लास्ट में, अगर किसी प्लूरल नाउन के लास्ट में एस का यूज नहीं किया गया है, एस का यूज नहीं किया गया है, तो ये एरो डाल के आप बस ये लिख लेना, और पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वुमेन्स कॉलेज ऐसे इसका पोजेसिव बनाएंगे। ठीक है, वुमेन्स कॉलेज, वुमेन जैसे बॉयज का, बॉय का बॉयज हो गया था, अब पहले से एस लग जा चुका है, तो उसको प्रोनाउंस करते ही नहीं बनेगा, तो खाली हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिया था, और एस नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ आप लगा सकते हो। ठीक है, वुमेन्स कॉलेज, ठीक, क्लियर। अब एक उदाहरण देता हूं मैं, बताना सही है कि गलत, ये देख लेना ना, सजीव है निर्जीव है क्या चीज है, नेचर, नेचर्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, कौन सा सही है बता, नेचर ब्यूटी सही है, अब ब्यूटी ऑफ नेचर गलत है का है? हाँ डोला, दोनों सही हैं, दोनों क्यों सही है बताइए, वजह भी बताना है, दोनों अपनी जगह सही हैं।
कौन कौन सी जगह सही है वो बताओगे तो ही चलेगा, बस कुछ ही बोलना करके नहीं। हाँ ये गलत कारण भी तो नीचे वाला। अभी उस टाइम क्या बताया था, अगर लिविंग थिंग रहे तो इस फॉर्म में लिखते हैं और नॉन लिविंग रहे तो इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद है। ये वाला सही है, ये गलत है, इसके कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? आप बचपन में कई सारी कविताएं पढ़े होंगे, उस कविता में जैसे बादल शेर जैसे दहाड़ा ऐसे टाइप का रहता है, तो शेर दहाड़ रहा है वो तो भैया दहाड़ना एक लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है दहाड़ना, ठीक है। तो वैसे ही बादल की बात कर रहे हैं, बादल तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, लेकिन उसको मानव का एक गुण दे रहे हैं, ठीक है इंसानों का, लिविंग बींग का एक गुण दे रहे हैं, उसको बोलते थे मानवीकरण करना, याद है ना, मानवीकरण करना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नेचर्स ब्यूटी, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है कि इसका मानवीकरण किया जा रहा है, खूबसूरती किसकी, लिविंग बींग की, ठीक है लिविंग बींग की होती है आमतौर पर, उसी का ही खूबसूरती बताते हैं, लेकिन इसको नॉन लिविंग को भी हम लोगों ने क्या बोल दिया कि इसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। दया, दया कौन दिखाएगा? या तो इंसानी जो लिविंग बींग है वही दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कोई वर्ड यूज़ किया जाए जैसे हेवंस मर्सी, यहाँ पे सब लिखा हुआ उसी को ही बता रहा हूँ, हेवंस मर्सी, हेवन मतलब क्या है ना, जन्नत जहन्नुम, हेवंस, हेवंस मर्सी, ये सब लिखा हुआ है, ये इसको मैं बोल सकता हूँ ये सेंटेंस सही होगा, मर्सी ऑफ हेवन नहीं, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ये इंसानों की होती है, ठीक है। स्वर्ग नरक कोई दया नहीं दिखाएगा आपका, लेकिन वहाँ पे दिखा रहा बोल रहा मतलब उसको क्या मानवीकरण कर रहा है उसका, ठीक है क्लियर, हेवंस मर्सी। तो ऐसे शब्द सही होते हैं, लिखिए चौथा पांचवा जो भी रूल था, चौथा रूल नेक्स्ट, अगर नेचर का यूज लिविंग बींग के रूप में किया जाए, अगर नेचर का यूज लिविंग बींग के रूप में किया जाए तो ये बस ऐसे एरो डाल के कर लें, एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ठीक है, ऑफ वाला नहीं करते, ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं, नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लोगे, पहला ना नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी ये सही होगा, ना कि ब्यूटी ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। ऐसी क्या कोई बहुत ज्यादा लकी होता है ना, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, लकी है, तो उसको अंग्रेजी में फॉर्च्यून्स फेवरेट बोलते हैं, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून तेल वाला नहीं है, ठीक है। तो फॉर्च्यून्स फेवरेट, अब फेवरेट किसी लिविंग बींग का ही होगा, मेरे को ये पसंद, मेरे को ये पसंद, ये पसंद, ठीक है, निर्जीव चीज का तो नहीं हो सकता फेवरेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेवरेट वर्ड यूज करके हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको, इसको मानव का गुण दे रहे हैं, तो फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट, ये दो एग्जांपल लिख लीजिए, समझ रहे नेक्स्ट रूल लिखना, ज्वाइंट पोजेशन, ज्वाइंट पोजेशन संयुक्त अधिकार अगर लिखना चाहो हिंदी में, ज्वाइंट, ज्वाइंट पोजेशन, ज्वाइंट पोजेशन बताने के लिए ज्वाइंट पोजीशन बताने के लिए डैश करना, सबसे जो लास्ट वर्ड रहेगा ना, लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, लास्ट नाउन, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे,
ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूं यहाँ पे, अब सर कैसे मालूम चलेगा कि जॉइंट पोजीशन है, वो सेंटेंस आगे पीछे लिखा रहता है उससे मालूम चल जाएगा आपको। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बोलूँगा ये मेरे मम्मी पापा का घर है, तो मम्मी पापा यही मान के चल रहा हूँ कि भैया दोनों का बराबर बराबर अधिकार है, ऐसे नहीं मम्मी अलग पापा अलग, ऐसे तो नहीं। ठीक है, ऐसे बीच में दीवार खड़ा कर दिया ऐसा तो नहीं होगा, मम्मी का भी अधिकार है पापा भी का अधिकार है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉम्स एंड डैड्स हाउस, तो क्या हो जाएगा कि मम्मी अलग बंटवारा कर ली, आधा हिस्सा करवा ली है, और पापा अलग। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा। लेकिन क्या बोला, ज्वाइंट पोजीशन है, संयुक्त अधिकार है, भैया उस घर में दोनों का अधिकार है, तो मॉम एंड डैड्स हाउस। ठीक है, ये गलत, ये सही। ठीक, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बताना क्या होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम हैज टू सन्स, राम के दो बेटे हैं, राम हैज टू सन की सन्स, राम हैज टू सन्स, हैज की हैव, हैज सिंगुलर हैज, ठीक है, राम हैज टू सन्स, दो बच्चे हैं राम के। ठीक है, कौन कौन नाम बता रहा है आपका, श्याम और मोहन। ठीक, ठीक है, राम के दो बच्चे श्याम और मोहन, ये बता दिया। तो मैं अगर मैं बोलूं इसका क्या मतलब हुआ कि राम इज किसका फादर, देखो श्याम है ना, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस किस में लगाऊं बताओ, दोनों में कि लास्ट वाले में कि पहले वाले में, श्याम एंड मोहन्स फादर। इसका ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ मोहन के पिता हैं, श्याम के पिता नहीं है, इसका ये मतलब होता है श्याम और मोहन मतलब दोनों को काउंट कर लिए, और एपोस्ट्रॉफी किस में लगता है, लास्ट में लगता है फादर, पहले वाले में नहीं लगता। ठीक है, पहले वाले में नहीं लगता। जैसे खाली राम होता तो राम्स फादर ऐसे लिखते हम लोग, है ना, तो यहाँ पे दोनों को एक रूप में काउंट किया जा रहा है। ठीक, अभी दोनों का अधिकार है, और इस पे क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी एस, पहले वाले में लगाते हैं, लास्ट वाले में लगाते हैं। क्लियर, ठीक, लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, श्याम एंड मोहन फादर, उतना ही लिख रहा है। जैसे कार को 4-4 लाख मिला के खरीदे, मैं और मेरी बहन दोनों मिला के खरीदे, तो योगेंद्र एंड कोमल्स कार की, योगेंद्र एंड कोमल्स कार, योगेंद्र कोमल्स कार। ठीक, तो जहां पे भी संयुक्त अधिकारिता दिखे आपको, जॉइंट पोजिशन दिखे, एपोस्ट्रॉफ एस कहाँ पे लगेगा, लास्ट वाले में। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखना, ईच अदर, ईच अदर, नेक्स्ट रूल लिखना, ईच अदर, ईच अदर, वन एन अदर, वन एन अदर, एवरी वन, कॉमा कॉमा करके लिखते जाना है ना, एवरी वन, एवरीबडी, एनी बडी, सम वन, नो बडी, के साथ भी है ना, बस ये के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, इसका यूज किया जाता है।
ठीक है, जैसे समवन मतलब क्या हुआ, समवन समबडी का मतलब क्या हो गया, समवन कोई किसी है ना कोई, ठीक है, समवन हैज कम मतलब कोई आया है, मेरे को नहीं मालूम, समवन हैज कम, ठीक। तो अब ये समवन एक वर्ड हो गया या ईच अदर कोई वर्ड हो गया, ऐसे वर्ड आया ना तो उसके आगे भी एपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे यहाँ पे किसी का पर्स सपोज गिरा हुआ, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरे को किसी का पर्स मिला, किसी का पर्स मिला, मेरे को नहीं मालूम किसका पर्स है, तो किसी के लिए वर्ड यूज करते समवन है ना, तो मुझे मिला है, आई हैव फाउंड। फाइंड का थर्ड फॉर्म मैंने बताया था हैज हैव हैड लगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई हैव फाइंड नहीं, आई हैव फाउंड समवन पर्स। यहां क्या लगेगा बोला, यही नियम, समवन ईच अदर एक्सेट्रा जितने भी सारे वर्ड लिखा है तो उसके साथ भी क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी, यस, आई हैव फाउंड समवन्स पर्स, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टू लिखना, ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखना या रूल बना के लिख लो जैसे भी, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, एक प्रोनाउन है ना, ये सब समवन ईच अदर ये सब प्रोनाउन है। सर कैसे प्रोनाउन हो गया, समवन पर सोच के देखना, नाउन के बदले जो भी यूज किया था क्या हो जाता है, प्रोनाउन होता है। तो जरूरी नहीं यू शी हिट दी ही शी हिट दे यही सब प्रोनाउन होगा। किसी का पर्स, किसी न किसी का नाम का तो पर्स होगा, किसी न किसी प्रॉपर नाउन का पर्स होगा, नाम का, ठीक है, हो सकता आपका हो, आपका आपका हो, ठीक है, रीना मीना सीना किसी का भी पर्स हो सकता है। उस रीना मीना सीना के जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर दिए, समवन, इसलिए वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। नाउन के जगह कोई भी यूज कुछ भी यूज किए वो क्या हो गया, प्रोनाउन, इसलिए समवन भी क्या है, प्रोनाउन हो गया। तो ये जितने भी ऊपर वर्ड लिखा है वो सब क्या है, एक प्रोनाउन है। तो लिखना नेक्स्ट रूल बोलो या नेक्स्ट सेंटेंस में लिख लो, ठीक है, ऊपर दिए गए प्रोनाउन या ऊपर लिखे गए प्रोनाउन के बाद अगर एल्स का प्रयोग किया हो गया, एल्स, एल्स मतलब एनीबडी एल्स, ऐसा बोलते नहीं, और कोई दूसरा, एनीबडी एल्स, ये सब ऊपर जो लिखे प्रोनाउन के बाद अगर एल्स का यूज किया गया हो के बाद एल्स का यूज किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी जो एस है ना वो किसके बाद लगेगा, एल्स के बाद लगेगा, ठीक है, एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे, ठीक है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इस प्रोनाउन के आगे नहीं लगेगा, किसके आगे लगेगा, एल्स के लगेगा। जैसे यहीं पे एक सेंटेंस लिखता हूं, अभी क्या था, आई हैव फाउंड समवन्स पर्स, ठीक है, मेरे को किसी का पर्स मिला, सपोज मैं भी एक पर्स लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरा पर्स घूम गया, ठीक, अब मैं दूसरे का पर्स उठा लिया जिसमें थोड़ा ज्यादा पैसा था, अपना वाला छोड़ के आ गया, ठीक, तो किसी और का, समवन्स एल्स, एल्स वर्ड यूज कर दिया, यही सेम सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई हैव फाउंड, मतलब किसी और का पर्स उठा लिया बोलना चाह रहा है, आई हैव फाउंड Someone else purse। देखो अब इसमें बताइए apostrophe s इसमें लगाऊं कि इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊंगा, वही तो नियम बता रहा था, ठीक है, ये सारे वर्ड थे, अच्छी बात है, तो इसमें हम लोग apostrophe s लगाते थे, लेकिन इन्हीं सारे प्रोनाउन के आगे अगर क्या जुड़ जाए, else जुड़ जाए, तो जो apostrophe s है वो किस पे लगेगा, else पे। तो आई हैव फाउंड समवन एल्स पर्स, ठीक है, क्लियर, समवन्स एल्स पर्स नहीं, समवन एल्स पर्स इसमें नहीं लगे रहेगा एपोस्ट्रोफी एक्स, ठीक है। सेम सेंटेंस लिख के ना गलत वाले को भी दर्शा लेना, तो ध्यान रहता है कि क्या नहीं करना होता, समवन्स एल्स ये गलत है ये सही है।
एक बार देखो, ठीक है, देख लिए, क्लियर। अब कुछ इडियम और फ्रेज लिखा रहा हूँ, उसके आगे भी एपोस्ट्रॉफी एस कंपलसरी लगता है, ठीक है, तो आपको याद करना होगा, रटना होगा, और उनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, वो सब फेमस इडियम फ्रेज है। ठीक, तो लिखना नेक्स्ट रूल। ये कुछ इडियम और फ्रेजेस, इसके आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है ना, तो कौन कौन से हैं देखो। कुछ मुहावरे हैं और कुछ खाली ऐसे फ्रेजेस रहेंगे, जैसे किसी का घर एकदम पास रहता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एट स्टोन्स थ्रो, छत्तीसगढ़िया में अलग दुआरी वाला बड़े आदर छत्तीसगढ़, तो वैसे एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है बहुत नजदीक। क्या हुआ पूर्व, क्या है मतलब बताओ। ठीक, समझ ना होगा, बोलते रहे ओकर घर तो यही दुआरी में, ऐसा जिनको समझ आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना किसी छत्तीसगढ़िया से। एट स्टोन्स थ्रो बोलते हैं, इसका मतलब क्या भाई, आप ऐसे पत्थर फेंके और पहुंच जाओगे, ये कहने का अर्थ है, ठीक है, लेकिन पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान तो है नहीं, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसको ऐसे यूज किया जाता है, एक इडियम है, मतलब कोई चीज क्या है, बहुत नजदीक है, बहुत पास है, बोलते ना चले चलो घर चल के चाय पीते हैं, एकदम पास में ही है, तो एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, सेकंड लिखना, ये सब इडियम फ्रेज ही लिख रहे हैं, तो पहला ये लिखे, दूसरा एट वंस विट्स एंड, ये रिप्लेस कर सकते इसको, जैसे मेरा तो माई,
उसका हिज ऐसे एट वंस विट्स एंड ये क्या होता है एकदम जब कंफ्यूज हो जाओ ना तो ऐसे लिखते हैं एट वंस विट्स एंड मतलब इसके बाद मेरे को आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए, जॉब नहीं लग रहा है, अब क्या किया जाए आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम एट माई विट्स एंड, ठीक है अब एकदम कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे भी इडियम फ्रेज में इसको याद कराऊंगा तो लिखना ही पड़ेगा, इसको भी लिख लेना एकदम पास एकदम नज़दीक, और इसका मतलब होता है एकदम क्या कन्फ्यूज, क्या होता है कन्फ्यूज, पजल्ड कन्फ्यूज, तीसरा लिखना आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे, हार्म मतलब क्या होता है मालूम किसी, नुकसान पहुंचाना, डोंट हार्म मी ऐसे मतलब नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है तो इसका क्या मतलब होगा आउट ऑफ हार्म्स वे का, ये सारी इडियम है बताइए क्या होता है, मतलब सुरक्षित स्थान पर, वे मतलब क्या रास्ता, ठीक है तो जो खतरे के रास्ते है उससे बाहर, आउट ऑफ हार्म्स वे, कहने का तात्पर्य है सेफ प्लेस, ठीक है इसका मतलब क्या होता है कोई सुरक्षित स्थान सेफ प्लेस, जैसे दवाइयों में लिखा होता है ना कि इसको सुरक्षित स्थान पर रखें, स्टोर एट सेफ प्लेस, कूल प्लेस, आउट ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो बच्चों हैं उसके पहुंच से दूर रहे, तो आउट ऑफ हार्म्स वे, पुट द मेडिसिन आउट ऑफ हार्म्स वे, जो मेडिसिन है दवाई है उसको कहाँ रखो भैया सुरक्षित स्थान पर रखो, वेयर द चिल्ड्रन कांट रीच देयर, ठीक है तो आउट ऑफ हार्म्स वे इसका मतलब होता है सेम सेफ प्लेस, तो यहाँ पे भी क्या लगता है एपोस्ट्रॉफी, तो ये सारे कुछ इडियम थे, कुछ फ्रेज भी लिख लेना नीचे, चौथा लिखना चौथा द बोट्स क्रू, द बोट्स क्रू, क्रू ऑफ बोट नहीं बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर, द शिप्स पैसेंजर्स, द ट्रेन्स अराइवल, सब ये सब अपवाद है ना, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन लिविंग बिंग नहीं है फिर भी उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी लग रहा है, ठीक है क्यों ऐसा फिक्स कर दिया गया है, द ट्रेन्स अराइवल, या इसी के साथ डिपार्चर, पहुंचना मतलब अराइवल, डिपार्चर आगमन और प्रस्थान, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जा के देखोगे टाइमिंग अगर डिस्प्ले होते रहता है तो अराइवल एट 6:30, 6:40, डिपार्चर एट ऐसे लिखा होता है, द आगमन और प्रस्थान, तो ट्रेन्स अराइवल, द ओशियंस रोर, ठीक है सागर की दहाड़ समुद्र की दहाड़, ओशियन रोर, द सन्स रेज, रेज है ना सन्स रेज, द अर्थ क्रिएचर्स, द अर्थ क्रिएचर्स, हेवंस विल, हार्ट्स कंटेंट, इसका मतलब किसी को मालूम, एक इडियम जैसा है हार्ट्स कंटेंट, लास्ट वाला मन भर के है कंटेंट, कंटेंट वो कंटेंट नहीं, ठीक है मन भर के को बोलते हैं हार्ट्स कंटेंट, जैसे हाँ मन भर के खाए पेट भर के खाए, ठीक है जैसे कोई हम पार्टी दे रहे हैं देख लगता है कि नहीं भाई कम बिल बने, कोई सामने दूसरा वाला पार्टी देता है तो पूरा कोट कोट ले खाता है, तो कोट कोट ले का अर्थ है हार्ट्स कंटेंट, जैसे किसी के ले जाओगे साथ में खिलाने पिलाने तो आप अपने लिए नहीं सिर्फ चाय कॉफ़ी, बजट कम रहे और सामने वाले को खुश भी करना है तो अपने लिए सिर्फ चाय कॉफ़ी या एक भाई मिनरल वाटर ला दे कि सामने वाला तो
कैसे खाएगा? हार्ट्स कंटेंट। उस दिन तब्बू पार्टी दी, ठीक है, तो तामे सर ज़्यादा बिल बना दिए, तो तब्बू पार्टीज दे रही करके अपूर्वा पैक भी करा ली दोपहर का खाना मत बनाना पड़े करके, और खाए भी भर भर के कोट कोट ले, हार्ट्स कंटेंट मन भर के। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आज मन भर गया, हार्ट्स कंटेंट हो गया, ज़्यादा कंटेंट। ठीक, ऑफ कर दो।